मन को शांति मिली। अब पुलिस हमें जरूर ढूंढेगी। लंबू, आगे जो होगा देखा जाएगा, पहले ये हथियार छुपा देते हैं। अपने अपने सर ऊपर उठाओ बेवकूफों। अपने हाथ आगे करो, मैं इनके हाथों पे मारता हूँ, तुम इनके पिछवाड़े पे मारो। बताओ तुम लोग कहाँ रहते हो? सर, यही चे मेरा घर। झूठ बोला तो एक दूंगा, सारा सच बाहर आ जाएगा। कसम खाता है बाप का कसम। बाप का कसम क्यों खाता है रे? माँ का कसम खा के क्या करेगा, वो तो गई। ये घर इसका ही है क्या? हाँ, इसी का है। 10 साल से यहीं रहता है। इसके पिताजी से बहुत परेशान रहते हैं। वो बेचारे छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लेते हैं। चलो सुनो, इसकी हथकड़ी खोल दो। घर के अंदर जितने भी हथियार है सब लेके आ, और तुम तीनों घुटने टेको। क्या देखता है? बोला ऐसा कर। पता कहाँ है हथियार? छोड़ दीजिए। हम इससे परेशान हो गए हैं, ये हमारी बात ही नहीं सुनता। इसे प्लीज लेके जाइए साहब। भाई समझते हो, मर्डर करते हो, अभी दिखाता हूँ। सर, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए ना सर। रघु, तुम भी कुछ कहो ना। सर, कुछ चाय पानी लेके छोड़ दीजिए ना इसे प्लीज। हमें रिश्वत देने की कोशिश मत करो, इसे सजा मिलेगी। सर, चलो खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। हाँ सर, एक ही हथियार मिला सर। यहाँ लाओ। कोई बात नहीं, बाकी के हथियार कहाँ हैं? ये लोग ही बताएंगे। बताओ कहाँ हैं हथियार, ले चलो इनको। बहुत गुंडागर्दी का शौक है ना तुम्हें, चल उतारते हैं उसे। सर, यही है हमारा अड्डा। कांस्टेबल, इसकी हथकड़ी खोल दो। जितने भी हथियार छुपाए हैं सब ले आओ। चलो। तो गटर में भी हथियार है? ये बस इतना ही है। अपन इतना ही छुपाए सकते हैं। उतर नीचे। अच्छी अच्छी जगह पे हथियार छुपाता है। हाँ, चुंटा बनता है। हाँ, बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुम सबको, सारी उतार दूंगा। मुझसे दूर मत ले जाइए। पता है, इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक आदमी का खून किया है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। हमारे घर में कमाने वाला यही है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। देखो मैडम, बचपन से जिसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी वो अब क्या सुनेगा। देखो सर, ये मेरी बेटी है। अगर दुनिया को पता चलेगा कि इसका भाई खूनी है तो इसके साथ शादी कौन करेगा, बताइए ना। 2 हफ्ते बाद इसकी शादी है। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए मोहल्ले वालों से उधार लेकर इसकी शादी मंदिर में करवाने वाले हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, मेरी बात मानिए। देख रहे हैं इनकी हालत, देख। तुझे बचाने के लिए तेरी माँ और बहन कैसे गिड़गिड़ा रही हैं। मेरे पैर छोड़ो, खड़ी हो जाओ और मेरी बात सुनो। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें जो भी कहना है कोर्ट में आकर कहना। ले चलो इन्हें। भगवान,
काउंटर में तू है क्या? अपुन को सर्विस मांगता है। ए भाई, तो तुम लोग कॉलोनी में गुंडागर्दी करते हो? गणेश भाई का कलेक्शन फुल फॉर्म में है, अब जल्दी से पार्सल तो दे दे। सूरी के आदमी यहाँ बिना पैसे के दारू पीते, इससे पता करो सूरी कहाँ है। आज तो मजा आने वाला है। आरएक्स सूरी कहाँ है पता है क्या तेरे को? इधर आने का, अपना काम करने का और चुपचाप निकल जाने का, उसके बारे में जानकर क्या करोगे? अच्छा शाना बन रहा है क्या? एक बार हमारे बॉस को जेल से छूट जाने दे, तेरी बोटी बोटी करेंगे, फिर देखते हैं ये आरएक्स सूरी क्या करेगा। अबे हाथ हटाना, अपने सूरी भाई को ना सूरी नहीं यार एक सूरी कहते हैं, और तेरा बॉस आकर कुछ करेगा और वो तमाशा देखता रहेगा क्या? हाँ जरा आने दे तेरे बॉस को, देखते हैं वो क्या करेगा। देखता क्या है इसे, चल माल निकाल। अरे खाओ पियो मजा करो, काहे को टेंशन लेते हो? सुन सुन ना। अरे बोलो ना क्या हुआ? इधर आरएक्स तो नहीं आ गया? ए अभी एक पैक भी अंदर नहीं गया और तू मेरी केक उतारने पे तुल रहा है। अरे यार इसके सामने जोर से मत चिल्लाओ, अगर ज्यादा डांटेगा तो ये अभी रो पड़ेगा। अरे आरएक्स तो इसको हर जगह दिखाई देता है। देखा मैंने पहले ही कहा था ना, अपना मुंह बंद रख, डरपोक नहीं का। उधर ए क्या उधर? अरे शैतानों, तुम जैसे बेवकूफ और नालायक लोग मैंने आज तक नहीं देखे। तुम जैसों को मारकर जमीन में जिंदा गाड़ देना चाहिए। Hey!
दारू पीकर मर्दानगी दिखाने वाले मर्द नहीं होते। दम है तो इस मर्द को दिखाओ अपनी मर्दानगी, ना मर्द कहीं के। सुबह आप खुलते ही सबसे पहले एक बकेट पानी भरकर आपके दर्शन के लिए आती हूँ मैं। फिर पानी छिड़क कर झाड़ू लगाकर रंगोली बनाकर आपके आगे रोज मस्का लगाती हूँ मैं, और ये सब करती हूँ उसके लिए। अब आप ही मुझे बताओ, क्योंकि वो लड़का तो मुझे छोड़कर कॉलोनी में हर किसी से बात करता है। अगर वो मुझे एक बार आई लव यू कह दे तो आप ही बताओ उसका क्या बिगड़ जाएगा, और मैं कौन सा ना बोलने वाली हूँ गुंडा कहीं का। आप ही बताओ भला क्या कमी है मुझ में? नाक थोड़ा टेढ़ा है वरना सेम अनुष्का शर्मा। अपना मुंह बंद कर लूं, गेटवे ऑफ इंडिया दिख रहा है। भगवान से बात भी नहीं करने देता बुलडॉग। हे भगवान, मुझे नहीं पता आरएक्स सूरी भी मुझसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज भगवान, सूरी को भी मुझसे प्यार करने के लिए कहो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। मम्मा, क्या हुआ? आज मुझे टिफिन नहीं चाहिए, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। एक चाटा मारूंगी ना तो तेरा सारा का सारा मेकअप खराब हो जाएगा। लेकिन क्यों? मुकेश, कहाँ चला गया तू? मैं ऑफिस जा रही हूँ। और तू कॉलेज जाते वक्त टिफिन ले जाना मत भूलना, सारा दिन आईने के सामने बैठी रहती है, मुझे भी ऑफिस जाना है। थोड़ा सा जल्दी उठकर अपनी माँ की मदद करने का मन कभी नहीं करता तेरा? जब देखो तब एक्स्ट्रा नींद लेनी है। हाँ, मैं तो 5 बजे ही उठ चुकी थी। हाँ, 5 बजे ही उठी थी, गणपति मंडप के आगे रंगोली निकाल कर वापस आकर सो गई। तुम क्यों चल रही हो? किस लिए? तुम्हारी उम्र में मेकअप नहीं कर सकती ना, और मैं तुमसे ज्यादा सुंदर लगती हूँ ना, इसलिए। तुम और सुंदर, कभी आईने में शक्ल देखेगी तो पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। सुधा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। अच्छा? हाँ। ए मेकअप रानी, जल्दी से तैयार होकर कॉलेज चली जा। गणपति बाप्पा सबकी रक्षा करना। ए, बस कर ढोंगी, अबे ऐसे पूजा करेगा तो गणपति बाप्पा भी बोर हो जाएंगे, अपने काम पे ध्यान देने का। अभी तक तो गाड़ी भी नहीं लाया। ओहो, कौन है ये जिसने इतनी प्यारी रंगोली बनाई है? बनाने वाली ऊपर से देख रही है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसने बनाई है। ओए, ये ले ऑफिस की चाबी, अच्छी तरह साफ सफाई करना। बोले तो गल्ले का कैश भी साफ कर दूं? अबे कल्लू, दिखने में उल्लू, मुझे पता है तेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं बेटा। चल जा। मेरे को क्या येड़ा समझे, मैं सब जानता हूँ। बाला क्या गाड़ी चलाता है? चलाता नहीं, उड़ाता है भाई। अबे ओए, ये क्या कर रहा है यार, ये मेरी जान है और तुम ट्रिपल सीट आ रहे हो? की जान लोगे क्या? अरे भाई, पास की गली से तो आ रहे। कमाल करते हो यार तुम लोग, एक तो ट्रिपल सीट चलाते हो, ऊपर से मामू ने पकड़ लिया तो क्या करोगे? ये लो कलेक्शन पूरा है ना, ये बीच में खाचा मार लिया। ला रे डायरी ला। चलो बता आज का गणपति का कलेक्शन कितना हुआ है? वो बाजू के मोहल्ले वालों ने ठीक से हिसाब दिया है ना? हाँ हाँ, दे दिया। ए तो इधर क्यों आई? घर में कुछ भी नहीं है, राशन के लिए पैसे चाहिए। सुबह ही तो माँ को 500 रुपए दिया था ना मैंने। माँ ने उसे मंदिर के पीछे रखे थे, पिताजी माँ से वो जबरदस्ती मांग रहे थे। जब माँ ने पैसे देने से इनकार किया तब पिताजी ने माँ को मार मार कर सड़क पर तमाशा खड़ा कर दिया। उस बुढ़े का ना दिमाग खराब हो गया है। क्या बात है छुटकी? राशन भरने के लिए माँ को पैसा दिया था, वो पैसा छीन कर ले गया। कौन ले गए? और कौन, मेरा बाप। ए चुप बैठ, वो तेरे पिताजी हैं। पाल पोस कर बड़ा करने वाले पिताजी के सामने पैसा बड़ी चीज है। ये ले रख। ए मैं भी तेरा बड़ा भाई हूँ, पकड़। चल जा। इसे क्यों डांटता? अरे तेरे पिताजी का पीने का मन किया होगा इसलिए पैसा ले लिया होगा। लेकिन उसका रोज का है रे। प्रेम हुआ तेरे से छुआ, जाने ये कैसे हुआ प्यार में।
हाँ तेरे मैं हुआ दीवाना। दीदी दीदी मेरा बॉल गुम गया है, नए बॉल के लिए पैसे दो ना। क्यों, तुमने विराट के जैसे चौके छक्के मारे? हाँ सच में, सच कह रहा हूँ। झूठ बोलते हो, चलो जाओ, पैसे नहीं है मेरे पास। क्या दीदी पैसे दो ना। एक थप्पड़ लगाऊंगी, मुझसे झूठ बोलता है और ऊपर से पैसे मांगता है। दे दो ना प्लीज। ये ऐसे नहीं मानेगा, ये ले चल जा। तेरी तो ए मम्मा से तेरी शिकायत करूंगी। मैं माँ से डरता हूँ क्या? हाँ सब ठीक से हो गया? क्या बात कर रहे, बहुत अच्छा किया भाई। अपने बंदों ने ना उसे बहुत सही सबक सिखाया, आगे से अब उनके रास्ते में नहीं आएगा। अरे अपुन के दुश्मन और यहाँ पर? अरे छोड़ ना यार, अपने को क्या करने गए, गणपति की पूजा में काहे का दोस्त और काहे का दुश्मन। हाँ पंगा लिया तो पटक पटक के मारने का इनको। पढ़ाई में तो मेरा मन ही नहीं लग रहा, वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्या करूं? पता नहीं कहां चला गया। छी यहीं पे रहना। सूरी यहां देखो ना, एक बार ही देख लो। सूरी सुन, मैं ऑफिस जाते वक्त क्या बोल रही थी? सुधा मैं कह रही थी कि तुम मेरे कपड़े इस्त्री करके थक जाती हो ना, इसलिए मैंने अपने कपड़े धोबी को दिए हैं, तो मैं ले आती हूँ। बढ़िया ही ख्याल रखने वाली। ठीक है जाकर कपड़े लेकर आ। ठीक है। तुम सिक्स पैक के साथ एक पोस्ट दो मेरी जान। शादी के वेबसाइट पर
शॉट मारा है, लेकिन शॉट मारने के बाद इसका पैंट ही नीचे उतर गया। बैट्समैन ने पैंट संभाल लिया और अब आ गई। और ये बॉलर बॉल को कसते हुए बॉलिंग करने की तैयारी में, बॉल घिस रहा है, घिस रहा है। अरे मेरे मुफ्त के चंदन, कितना किसे करे नंदन डालना। और आखिरकार ये बॉल डाला, बैट्समैन खेल नहीं पाया और बैट्समैन की डाडी गोल आउट। अब जलवा एट आउट हो गया ना। तुम झूठ बोल रहे हो, इसने सही तरह से बॉल नहीं डाला था मुखी। और ये ग्राउंड पर अचानक एंट्री, मुकेश पीछे देख, तेरी दीदी आई रे। ए, तुझे भूख नहीं लगी है क्या? चल मामा घर पे बुला रही है। अभी एक और ओवर है। एक और ओवर है, वो बाद में खेलना। चल सुबह तो बहुत नाटक कर रही थी, जा मैं नहीं आता। अब सामना घमासान हो रहा है, मुकेश खेलना चाहता है लेकिन दीदी खेलने नहीं दे रही है। तो अब देखना है मुकेश क्या करता है। दीदी को मारा जोरदार फटका और भाग गया। अब दीदी को दूसरी तरफ गुस्सा आया, वो मेरी तरफ घूम कर देखी और इशारा करके बोली कि कान पकड़ कर घुमा दूंगी, और घर की तरफ मतलब पवेलियन में लौट गई। और इसी के साथ आज के विशेष समाचार खत्म हुए। अरे बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ दीदी ने मारा मुझे। अच्छा कहाँ मारा उसने? हाँ यहाँ मारा। हे भगवान, हे तूने इसे क्यों मारा? मैंने कहा मारा, यही बदमाश मुझे मार के भागा था। ठीक है ये नींबू दो मुझे, और तुम जाकर छत पर ये कपड़े सुखा दो, मुझे बहुत से काम पड़े हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। मम्मा इससे जरा पूछो इसने क्या किया। क्या किया मेरे राजा बेटा ने? हाँ वो थोड़ी ना बताएगा। तुम जाकर अपना काम करो, जब देखो इस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो। अपने लाडले की गलती तो दिखती नहीं है। वो तेरी दीदी है बेटा, हम दोनों फ्रेंड्स है ना। आज तू क्या खाएगा? गाजर का हलवा बना दूं, है ना? अबे कानिए सामान उस तरफ लेके जा। लगता है मेरी तरफ ना देखने की कसम खाई है इसने। क्या कर रहा है, लंबू के घर पे ले जा। अभी बताती हूँ। कितना स्लो काम करते हो, फटाफट आ उसको निकाल। क्या कर रही है तू? बाल बाल बच गया, मैं ठीक से कपड़े भी सुखाने नहीं आते इसको तो। अभी इसको बताता हूँ। तेरे को अकल नहीं है क्या? मेंटल है क्या तू? तू यहाँ बत्ती सी दिखा रही है, वहां मेरी जान चली जाती। ठीक से काम कर नहीं तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, और लाइफ में सेटल होने का सोच। ये प्यार व्यार की मेंटल गिरी छोड़। छोड़ दू? प्यार व्यार की बात तुम मत करो, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है। मैं किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, और ये बात तुम्हें समझ ही नहीं आती। तुम्हारी लाइफ में वाइफ बनूंगी तो मैं हमेशा खुश रखूंगी, दिन रात बस यही ख्याल मेरे दिमाग में रहता है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ, पर ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम उस लड़के से क्यों बात कर रही थी? किससे मामा? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। मैंने पूछा उस लड़के से तूने क्यों बात की? मामा ये टॉवल नीचे गिर गया था, वो बस इसे देने आया था। टॉवल का बहाना बना रही है, तेरा उसके साथ क्या चक्कर है? बता। क्यों गई थी? क्या चक्कर है तेरा? एक टपोरे के साथ लड़ा रही है तू? जानती ही क्या है उसके बारे में? बता। पूरी दुनिया में और कोई लड़का नहीं मिला तुझे? बता। क्यों बच्ची कुछ नाक कटवाने पर तुली है? तुझे पता है उस लड़के के घर वाले भी उसे नहीं चाहते। मरी आई उससे लड़ाने वाली। तेरे लिए मैंने कितने सपने देखे हैं। तेरे पिताजी के जाने के बाद तुम दोनों को मैंने ही संभाला है।
वो लड़का कितना बड़ा गुंडा है ये पूरी दुनिया जानती है। प्यार करती है उससे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पुलिस उसे जेल में ले गई थी। तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए तो सुखी रहे, तेरा घर संसार अच्छे से चले। जाते जाते तेरे पिताजी की यही सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और ये तू क्या कर रही है बेटी। और अगर उस लड़के से शादी करनी है तो तुझे मेरा मरा मुंह देखना पड़ेगा। और मुकेश के बारे में सोच, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका ख्याल कौन रखेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मा, अब मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। तुम्हें जो चीज नहीं पसंद है वो मैं कभी नहीं करूंगी माँ, प्लीज मम्मा मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मम्मा मुझे सिर्फ तुम चाहिए मम्मा। मम्मा बेटा तू ही सोच, एक टपोरी के साथ भागने का सोच रही थी, इसने हमारे बारे में एक पल भी नहीं सोचा। मुकेश तू ही बता मैं क्या करूं। माँ मैं हूँ ना, क्यों रो रही हो, प्लीज चुप हो जाओ। तुम मेरी देखभाल करोगे, मेरा ख्याल रखोगे ना बेटा। तू कभी इसकी जैसी गलती मत करना। कास्टम केन रेड। ए छोटू जरा सुन, घर पे जा और तेरी दीदी को ना छत पे आने को बोल। दीदी को माने खूब डांटा और मारा। अबे मैंने तेरे को जो बोला वो उसको जाके बोलना। मैंने कहा ना दीदी को माने मारा। अरे कोई समझाओ यार, ये आपको कोई इसकी माँ का डर दिख रहा है। अच्छा सुन, माँ से मत डर, दीदी के पास जा और सुमड़ी में छत पे बोला, समझा ना। चलो अपने। आप सभी का स्वागत है और अब हम श्री गणेश के भक्ति गीत से इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ए एंकर इधर देख, उधर बड़ा वो है, इधर बड़ा ये, दोनों को सभी लोग पैसे देते देते कि नहीं। ऑर्गेनाइज करने वाला ये है तो चल इसके लिए एक जबरदस्त झमाझम आइटम सॉन्ग बजा। सर आपको क्या चाहिए सर? ये कहानियां क्या बकवास कर रहा है, इसको चुप करा पहले। चल सॉरी साहब, ये टल्ली होके कुछ भी बड़बड़ करता है। आप कंटिन्यू। दीदी प्लीज मत रो वरना मैं भी रो दूंगा। दीदी क्या है? वह गाना चल रहा है, हम भी चलें क्या? तो तू क्यों नहीं जाता? जा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं न बाप न कोई, मेरा नहीं है कोई, भिखारी बन गया मैं, कोई नहीं जो दिलासा देगा, मरने पे मेरे रोएगा। झूठन नसीब में है धिक्कार बनी साथी, मेरा मन पत्थर बन गया, अनाथ हो गया मैं। प्रोग्राम चल रहा है, बाप ना कोई, बाद में पहना, मेरा नहीं है कोई। का कुत्ता करे जो रखवाली, उसको भी रोटी मिल जाती है, उससे भी बदतर हुआ
महलों की बिल्ली करे जो रखवाली, उसको दूध तो मिलता है फिर भी उससे भी अपशकुन हूँ। मुझको अकेला छोड़ गए हैं मुझको पैदा करने वाले, सुन रहा है ना मालिक तू, कुछ भी नहीं है जीवन में, नहीं है जवाब बस सवाल है, सच है यही। अनाथ हो गया मैं, मेरा माँ है न बाप न कोई, मेरा नहीं है कोई। जा को देती है माँ जीवन, मेरी जिंदगी का हुआ क्या है लेकिन, मैंने क्या किया है पाप रे। आधी रात में भी आधी नींद में भी माँ बच्चे को दूध देती है कैसे भी, लोरी गा के उसको सुलाए। मुझको जो कभी नसीब ना हुआ मुझसे हजारों और भी है, लाचार सबको तूने बनाया, तुझको हमारा श्राप लगे, नहीं है जवाब बस सवाल है, सच है यही। अनाथ हो गया मैं, मेरा माँ है न बाप न कोई, मेरा नहीं है कोई। अनाथ हो गया मैं। ये तो कौन थे भाई? मैंने सही टाइम पर उसका हाथ पकड़ लिया। भाई अपुन भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। गुरु सिर्फ इशारा करो, एक एक को काट के रख डालेंगे। भाई ये पक्का टाइगर का ही काम है। साइन करेगा या नहीं? नहीं। जब जाप साइन कर। नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। तू टाइगर को जानता नहीं क्या? टाइगर क्या, कोई भी आए मुझे धमकी दे या मारे, मैं साइन नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। तुमको जो करना है कर सकते हो। निकम्मे कहीं के, टाइगर का नाम खराब करता है। इस सांड के साथ एक छोटी सी डील करनी थी, वो तो तुझसे होती नहीं, और मेरी कुर्सी पर बैठकर मेरी जगह लेने की कोशिश करता है। ये साइन करने के लिए मना कर रहा है और तू इसके साथ बातों में लगा पड़ा है। एक लात दे के इसको सीधा कर देना था। मैं क्या बोल रहा था? जो भी आया आने दो, साइन नहीं करूंगा। हाँ लो मैं आ गया। अब क्यों बोलती बंद है? हैं? अबे ओ टाइगर, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तेरी ये नौटंकी, तुझसे तो एक काम नहीं होता और ना ही तुझसे कोई डरता है। अबे तेरा टाइम खराब हो चुका है, अगर पहले पता होता तो तुझसे नहीं उससे काम कराता। थू आर एक सूरी से। अबे डरपोक, मैं तो ये कह रहा था कि इस डील में आरएक्स सूरी को भी दिलचस्पी है। नाम सुनते ही डर गया उसका। एक काम तो होता नहीं तुझसे और उसे ही धमकी देने चला था। आरएक्स सूरी की तारीफ मेरे सामने करता है, मुझे डरपोक कहता है। आज तुझे मारा है, कल मैं उस साले को भी मार दूंगा। मैं इंसान नहीं हूँ, टाइगर हूँ, जानवर हूँ जानवर। साइन कर। मैं साइन करता हूँ, तुम जहाँ बोलो वहाँ साइन करूंगा। बताओ कहाँ करना है, मुझे मत मारना। आ!
मुझसे पंगा लेगा। भाई उसका गेम बजाने को टाइम लगेगा, लेकिन एक बार उसका गेम बज गया ना तो हमारे मोहल्ले वालों की तकलीफ खत्म हो जाएगी। हाँ अच्छा सुन, थोड़ी देर यहीं वेट कर, मैं जरा जाके आता हूँ। क्या हुआ भाई, क्या काम है? ओ भाई साहब, गाड़ी से उतरो, 10 मिनट में आ जाऊंगा। तो पीछे बैठता हूँ। मरवाएगा क्या? अबे आइटम से प्राइवेट बात करनी है, गाड़ी से उतरेगा। अरे अगर आने में देर होगी तो क्या करूंगा। अच्छा ठीक है, उतरता हूँ। नहीं आए तो रिक्शा ले लूँ? ठीक है। कैसे देख कर भी मुझे अनदेखा कर रही है। ये इतनी देर क्यों लगा रही है? कहीं ऐसा ना हो कि ये बस में चली जाए। अरे बस को भी अभी आना था। गुस्सा उतर गया? ओ खूबसूरत नगीना, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें मेरी हालत का अंदाजा भी है? इसका अपन थोड़ी जिम्मेदार है। क्या बताऊं? अच्छा तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हो रहा है। तुमसे प्यार करके मैंने कोई गुनाह किया है क्या? मुझे क्या पता। उस दिन माँ ने हमें बात करते हुए सुन लिया, उसके बाद जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो। मेरी फीलिंग्स के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। कि तू इतना प्यार करती है उनसे? हाँ देखो, माँ बाप को मारने का पूरा हक है, भूल जाओ वो सब। हाँ तुम तो उन्हीं की साइड लोगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आंटी का तुम्हें इतनी बेरहमी से मारना मुझे पसंद नहीं आया। मामा को तो किसी तरह मैंने बातों में घुमा दिया, अब तुम भी कुछ करो, जल्दी से मुझे अपनी बाहों में ले लो ना। क्या यार तू भी, तू इनके लिए भगवान से मन्नत मांग रहा है? ये लोग तुमको घास भी नहीं डाल रही है, अंगूठा दिखाकर चली जाएगी, देख लेना क्या देता हूँ। अबे चुप करना, मेरा काम क्यों बिगाड़ रहा है तू? तेरी वाली कौन है? आंटी के पास खड़ी वो वाली। अच्छा अच्छा, वो सफेद ड्रेस वाली है? तू क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों गणपति के मंडप में क्या कर रहे हो? एक आंख से लड़कियों पर लाइन मार रहे हो? हाँ मैं सब समझता हूँ। बरसात होने वाली है। ए भाई लोग चलो ना अंदर, बरसात होने वाली है। ए तू भी चल। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले पूजा कर ले चल। ए जल्दी यहाँ आरती कर लेते हैं। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। ए चल बोल, गणपति बप्पा मोरिया मोरिया, चल बोल। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। लोल कहीं का ए चल, बाद में मिल तू। अबे सुन, ये मेरे कपड़े हैं, इनका ध्यान रखना। हाँ ठीक है साहब। अरे भाई तुम नहीं आओगे क्या? अरे जाना यार, अभी मेरा दिमाग खराब है, जा। अकेला रहने भी नहीं देते, क्या बोलूं इन लोगों को, हमेशा इनको अपन की जरूरत पड़ती है। गणपति बप्पा। ए बाला। हाँ बोलो ना। अपना लंबू किधर है? वो तो विसर्जन कर रहा है। लंबू लंबू।
पे खेले डालो। आराम से, अच्छे से सुना, आराम से। क्या हुआ जी? अरे ये वो गणपति विसर्जन कर रहा था तो गलती से ऐसा लगता है कांच या पत्थर लग गया होगा। लगता है कोई नुकीली चीज लग गई है इसको। जरा देखिए ना डॉक्टर प्लीज। ए, कुछ नहीं होगा। ये जख्म कोई कांच लगने का तो नहीं है, ये तो पुलिस केस है। भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब उनको कुछ नहीं होगा। तेरे पे जानलेवा हमला हुआ है और अपुन टेंशन नहीं लेगा? वैसे भी काफी दिनों से अपुन चुप बैठा है, लेकिन अभी चुप नहीं बैठेगा। तू आराम कर, क्या समझा? कौन किया, काई को किया, इसका पता लगा। ठीक है भाई। क्यों रे छुटकी, अभी तक सोई नहीं तू? ये कोई टाइम है आने का भैया? गणपति विसर्जन था, पता नहीं है इसलिए लेट हो गया। चल जाके चुपचाप सो जा। भैया खून, आपको चोट लगी क्या? ये नहीं नहीं कुछ नहीं है। सच बताओ क्या हुआ, वरना माँ को बता दूंगी। ए, अरे कुछ नहीं हुआ ये, तू भी ना। सच बता दो वरना माँ। माँ को ये बता के बेकार में टेंशन देगी? तो सच बता दो ना भैया, क्या हुआ है? आपने किसी के साथ मारपीट की है? अच्छा सुन, गणपति विसर्जन के टाइम नागा को पानी में चोट लग गई, शायद कांच या पत्थर से उसको कट गया। बहुत खून बह रहा था उसका, इसलिए अपुन अपने कंधे पर उठा के उसको हॉस्पिटल ले गया। तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना के सबको टेंशन मत दे तू, चल जाने दे मुझे। सुनिए जी, इधर आइए ना, मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए। मैं कब से इसे डालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये अंदर ही नहीं जा रहा। डालना नहीं जा रहा? अरे मेरे हीरो, सुई में धागा नहीं जा रहा है, तुम्हें क्या लगा? अरे रुकना, मैं भी चढ़ा रहा हूँ अपनी पैंट ऊपर। तुम भी कितनी देर लगाते हो तैयार होने में। अब बोल कौन कहाँ नहीं जा रहा है? ए मेरे हीरो, जरा यहाँ आकर सुई के अंदर धागा डाल दो ना। तुम्हारा और कोई काम नहीं है क्या? जाते वक्त बोलते हो कि डाल दो डाल दो डाल दो। सुनो, तुम पूरे दिन घर पर नहीं होते हो, कभी तो मेरी बात मान लो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तू खुद ही कर ले। हाँ हाँ पता है, तुम किसी काम के नहीं, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ए, अब तो बहुत ज्यादा बोल रही है। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, हमारी शादी को कितने साल हो गए ये बात पूरा जमाना जानता है, और तू बोल रही मैं किसी काम का नहीं हूँ। चुप कर। अरे इतनी लाइट्स क्यों जला रखी है? बिजली का बिल क्या मेरा ससुर आके भरेगा? रुक मैं फ्यूज निकालता हूँ। नहीं ऐसा मत करो ना, फ्यूज निकाल दोगे तो मैं काम कैसे करूँगी? पूरे 24 के 24 घंटे तेरी मशीन ऑन रहती है, फ्यूज तो निकालना ही पड़ेगा ना, फिर देखता हूँ कैसे चलाती है तेरी मशीन। तेरे करंट को तो मैं फ्यूज करता हूँ। फ्यूज निकाल दोगे तो करंट कैसे लगेगा, और मैं ये नहीं चाहती। ने भी किया उसे बिल्कुल छोड़ने का नहीं। अभी कैसा है तू? एकदम कड़क हूँ भाई। अभी अपने को हथियार निकालना ही पड़ेगा। एकदम सही। अब देखना आज सूर्य उनकी कैसे वाट लगाएगा। सब लेने की क्या जरूरत है भाई, हम उनके सामने गए ना, हमें देखकर फट जाएगी उनकी। सुन, बहुत दिनों से हथियारों में जंग लग गया है, उनको धार लगा ताकि गुंडागर्दी क्या होती है अपन उनको बता सके। जल्दी काम पे लग जा लंबो, अब उनके पास टाइम नहीं है। ए, उठाओ रे हथियार। लग गई ना धार। ये
अबे तू आया है, अपुन को लगा फिर से अपुन पर हमला होने वाला है। भाई मुझे उन लोगों का पता चल गया, वो लोग डोंगरी में। कानिया। समझ गया भाई। लंबू इधर इतनी भीड़ क्यों? भाई लगता है किसी की मौत हुई। अरे लेकिन किसकी? क्या पता। पता लगाते हैं। ए कानिया जाके देख। भाई लगता है मुकेश नहीं रहा। अपन को जाकर देखा चाहिए। भाई सामने से हटो, रास्ता तो भाई कहाँ चला गया? ओहो तो आ जाएगा ना। वो बेचारा तो घर का एड्रेस भी नहीं जानता। ए, ये रोना धोना बंद कर पिंकी, अपुन जाके उसको ढूंढते हैं। फिकर नॉट। फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या? चलो जाओ अपने अपने घर जाओ। ए रास्ता छोड़ना है। ओ मैडम जाओ किचन संभालो। चलो निकलो। अभी इतने लोग को देखा तो मैं सोचा। चल गाड़ी में बैठ। कुछ भी गधा कहीं का। ए चल अपना काम कर। पुलिस कंप्लेंट की तुमने? अभी तक नहीं। ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ उसे हमने नहीं ढूंढा। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है माँ। भाई आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? चुप रहेगा? उनका अड्डा तो लेफ्ट में गया। अरे बाला जरा शांत हो जाना। ए तू मुझे क्यों बोल रहा है बे? ए अपुन के भाई की आइटम का भाई लापता है, उसे ढूंढने को जा रहे हैं। ये मारपीट करने का टाइम नहीं है। मुंह बंद रख अपना। कुछ भी मत बोल लंबू, लेकिन अपुन एक बात तो अच्छी तरह समझ गए कि अपने बंदे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त उसके भाई को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि अपन पिंकी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यही सब सोचकर अपुन को टेंशन हो रहा है। उसका टेंशन ले, हम लोगों के बारे में कुछ मत सोच। मारे तो हम ही जाएंगे ना, जब हम लोगों को कुछ होगा तो आ जाना हमारी मैयत में, दो बूंद आंसू बहा लेना। वो लोग हमें ऐसे ही मारते रहेंगे और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाला अपने मुंह पे लगा ले ताला। तू भाई को बताएगा क्या करने का है? टेप मार मुको। लंबू जरा चुप रहे यार, वैसे बाला गलत बात तो नहीं कर रहा है। सॉरी भाई थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो रिक्शा वाले यहाँ से किसी लड़के को जाते हुए देखा है क्या आपने? इतना बड़ा लड़का होगा। तूने देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। उसने शायद हाफ पैंट पहनी थी। मैंने तो उसे कहाँ चला गया होगा। भैया भूख लगी है, एक रुपया दे दो ना। मैं चल भाग गया से। भैया मुझे ये दे दो ना। पैसे लाए हो? पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो भाग यहाँ से। बच्चे को मारेगा? मुझे क्यों मार रहे हो? क्या है ये? बन लेकर भाग गया था बिना पैसे दिए। ये ले पैसा। बच्चे पे हाथ उठाता है। चले गए। सूरी भाई ए रुक, मारता है मुझे। इधर आ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू कहीं को उसको मारने जा रहा है? देखो तो उसने मुझे बहुत मारा भैया। घर चल, सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे मुझे बहुत भूख लगी है। तो खाना। चल कणिया गाड़ी में बैठ। चलो रे सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। चल लंबू चलते हैं। चलो भाई। चल, मामा थोड़ा सा तो खा लो। मामा सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। नहीं चाहिए, मेरा बेटा कहाँ चला गया होगा। प्लीज मामा। फिर ठीक है मैं भी नहीं खाती। दीदी मामा मुकेश आ गया। मामा कहाँ चला गया था तू बेटा? मामा मामा
बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तू सुबह से भूखा है ना, मैं तुझे आज हलवा खिलाऊंगी। आंटी अपुन चलते हैं। एक मिनट सुन, ये बारिश में भीग गया है, इसे टॉवल दो बेटी। नहीं नहीं फिकर नॉट, चलेगा। तुम मत जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मैं कॉफी ले आती हूँ। ठीक है आंटी। आओ बेटा तुझे खाने के लिए देती हूँ। ये वाला नहीं, ये तो मम्मा का है। थैंक यू सो मच सूरी, आई लव यू। ये ले, अपन को अर्जेंट काम याद आ गया, अपन को जाना पड़ेगा। सूरी प्लीज, फिर आओगे ना? अभी तो आना ही पड़ेगा। समस्या आती है, तुम्हें उनका निवारण करना होगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है। हाँ जरा सुनो, इस कुर्सी को उस तरफ सीधी दिशा में रखो। रखना क्या कर रहा है, रख। ठीक है रखना। अब यहाँ पर एक टेबल भी रखो। लेकिन मैं सिर्फ रात के टाइम पे ही पीता हूँ। बालक तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैंने ये टेबल पीने के लिए नहीं कौड़ियों के लिए लगवाया है। अच्छा कौड़ियों के लिए लगाया, गलती हो गई। पंडित जी मेरा काम हो गया नहीं, ये जल्दी से बताइए ना। पंडित जी ये कौड़ियों का शास्त्र मेरे बारे में क्या बता रहा है? ये बता रहा है अगर हिंदी अक्षर आया तो काम हो जाएगा, और अगर इंग्लिश अक्षर आया तो काम नहीं होगा। पंडित जैसे कि डबल एक्स काम हो जाएगा, ट्रिपल एक्स भी हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन आर एक्स आया तो काम नहीं होगा। स्वामी क्या बोल रहे, काम नहीं होगा? अरे स्वामी कुछ तो करो, कोई तो उपाय दो, बताओ ना। स्वामी सोचो, तेरा काम नहीं होगा। तो क्या बोला नहीं होगा, डबल दूंगा तेरे में। रुको, रुको, ऐसे मत बोल, बोल। ये मैं नहीं, कौड़िया बता रही है। कौड़िया यार तू बता रहा है, मुझे उल्लू समझता है क्या? प्लीज, प्लीज। कब से बके जा रहा है, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। मैंने तुझे इसलिए बुलाया क्या? हा? बोल। कसम से तुमको नहीं बोला, तुम्हारे ग्रहों को बोल रहा था। जैसे हे माँ, माँ चामुंडा, महाकाली, दुर्गे। मेरे और मेरे ग्रहों का तुम मजाक उड़ा रहा है, दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं महाकाली से कह रहा था। अच्छा चल चल, महाकाली, महालक्ष्मी, महादेवी, माधुरी दीक्षित, श्री देवी, ऐश्वर्या राय बच्चन, जिसका भी नाम लेना, लेकिन जल्दी कर, कौड़िया फेंक, चल कर, फेंक। हे माँ चामुंडा, फेंक, मुझे बचाना, फेंक ना, चल जल्दी चामुंडेश्वरी, मुझे बचाना। मैंने बताया था ना, ग्रहों के देवता हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, देवी देवता हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तेरा काम जरूर होगा। होगा होगा। अब क्या हो गया तुम्हें? काम होगा ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन इन निकम्मों को नहीं पता था। चल अब बता कैसे होगा ये काम? लंगोट पहनने से होगा। लंगोट पहनने से होगा? रुक, मैं तेरा ही लंगोट निकालता हूँ। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बिल्कुल छोड़ दूंगा, एक शर्त पे, अगर तू मेरे तीन सवालों का सही सही जवाब देगा तो छोड़ दूंगा। सवाल पूछेगा वो जैसे मशहूर विद्वान पंडित से तू सवाल पूछेगा? हाँ पूछूंगा। ए, इस कुर्सी को उठाकर सामने रख, बैठ जा। क्वेश्चन नंबर वन, मेरी शादी हो गई है या नहीं, और मेरे बच्चे हैं तो कितने हैं? तुम्हारी शादी हो चुकी है और बच्चे हैं आरती बबलू कीर्ति गोपाल। क्या बोला रे, आरती बबलू कीर्ति गोपाल? ए आरती, आरती तो मैं तेरी उतारूंगा, सारे पंडित बनता है झूठा कहीं का। सेकंड क्वेश्चन, मेरे सिर पर मंडराने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा टेम्पो वाला। अरे पगले वो तो मेरा जिगरी जिगरी दोस्त है।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ये बता कि आज मैं तुझे मारूंगा या नहीं मारूंगा? अगर हाँ बोलूंगा तो भी मारेगा, ना बोलूंगा तो भी मारेगा। हाँ बोलकर एस्केप हो जाता हूँ। हाँ तुम मारोगे? मैं नहीं मारूंगा रे, मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा। ये सब मिलकर तुझे मारेंगे, तेरे कपड़े उतार कर तुझे फोड़ेंगे। ए, इसे उस कमरे में लेकर जा और इसकी अच्छी खातिरदारी करो। इतनी देर से मुझे पपलू बनाना था। तेरा और तेरी कौड़ियों का भविष्य बताऊं? आज तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। अगर बच गया तो? बच गया तो मैं हूँ ना तेरी लंगोट उतारने के लिए। चल लेके जा इसे। ए बाला, अपन को धुआं उड़ाना है। ये लो भाई, एक बात बोलूं, अपने आदमी लोग बहुत परेशान हैं। भाई अपने पास एक सॉलिड खबर है, अपना दुश्मन जेल से रिहा हो रहा है। कलर कलर कॉलोनी, एक है कहानी अपनी। मत मारना मत मारना मत मारना, मारी तो फिर नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना। प्यार करना लफड़ा है इससे दूर रहना, प्यार में तो दर्द है सहने को तैयार रहना। प्यार प्यार दर्द वर्द नहीं चाहिए बेटा, जब भी नहीं पप्पी नहीं कुछ नहीं चाहिए। प्यार प्यार दर्द वर्द नहीं चाहिए बेटा, जब भी नहीं पप्पी नहीं कुछ नहीं चाहिए। लाइन मत मारना मत मारना मत मारना, अरे लाइन मत मारना मत मारना मत मारना। सामने की मेघा क्या मिली तुझसे नागा, कहाँ चला भाई तू उससे दिल लगाने, कहाँ जाएगी वो रे निकल जाए ना। तू ही है मेरी दुनिया, चल आजा मेरी बन जा। तुझसे रोज आते हैं घर पे मेरी जान, मिलोगे कल जो मुझको बोलूंगी दिल का हाल। मुझसा नहीं मिलेगा चाहे एरिया सारा ढूंढो, मैं चाहूँ तुझको रानी, अरे बात जरा सुन तो। प्यार करना लफड़ा है इससे दूर रहना, प्यार में तो दर्द है सहने को तैयार रहना। प्यार प्यार दर्द वर्द नहीं चाहिए बेटा, जब भी नहीं पप्पी नहीं कुछ नहीं चाहिए। प्यार प्यार दर्द वर्द नहीं चाहिए बेटा, जब भी नहीं पप्पी नहीं कुछ नहीं चाहिए। लाइन मत मारना मत मारना मत मारना, अरे लाइन मत मारना मत मारना मत मारना। भेल पूरी काहे को तूने बांटी, बाजू वाली पूजा से सेटिंग जो हो गई, लाइफ सेटिंग करके तू मजा कर रे भाई। ये क्रेजी लव का केस है, बस यही इसका बेस है। जोर से एक पप्पी दे गेम हो गया, शादी करेगी क्या वो पूछ लेना। ये प्यार का तो किस्सा है लैला मजनू जैसा, रोके ना इसमें कोई इसमें है होता ऐसा। प्यार करना लफड़ा है इससे दूर रहना, प्यार में तो दर्द है सहने को तैयार रहना। प्यार प्यार दर्द वर्द नहीं चाहिए बेटा, जब भी नहीं पप्पी नहीं कुछ नहीं चाहिए। प्यार प्यार दर्द वर्द नहीं चाहिए बेटा, जब भी नहीं पप्पी नहीं कुछ नहीं चाहिए। लाइन मत मारना मत मारना मत मारना, अरे लाइन मत मारना मत मारना मत मारना। अपन के बंदों ने मस्त एंजॉय किया, सबके कपड़ों में रंग लग गया है। अब जा जाके एक जोड़ी कपड़ा लेके आ जा। ठीक है लाता हूँ। अबे ओए कलर की फैक्ट्री, क्या पूरा दिन रंग ही निकालते बैठेगा?
ओए, अरे आपुन भी खड़ा है पीछे। टंकी खाली करेगा क्या? तो आपुन किससे अपना रंग धोएगा? चल निकल, दिखता नहीं कि आपुन का रंग पक्का है। आया बड़ा। आज इसको नहीं छोड़ूंगा। Good. अरे लंबू सुन, मैंने देखा कुछ लोग सूरी को मार रहे थे। भाई को मारा, धोखे से मारा, अभी तू नहीं बचेगा। अपुन ने तुझ पर भरोसा किया था, अब अपुन तुझे नहीं छोड़ने वाला। ए, उठो सब लोग, कोर्ट जाने का वक्त हो गया। रास्ते सटिए। मेरा बेटा ऐसा, दो मिनट बात करने दीजिए। ठीक है जल्दी बात कीजिए। ऐसा तूने क्यों किया बेटा? ये करते वक्त तूने अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा और ना ही अपनी माँ के बारे में सोचा। तुझे हमारी जरा भी परवाह नहीं। भैया, पिताजी के मौत के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और तुमने काम ही ऐसा किया कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। कभी कभी ऐसा लगता है मैं अपनी जान दे दूं, मैं जीना ही नहीं चाहता। सोचना भी मत। और क्या करूँ माँ, भैया को हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। चलो माँ, अब दुनिया के सामने सिर झुकाकर शर्मिंदा होकर हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आज से हमारा कोई नहीं है। चलो माँ, कहा ना, चलो माँ। चलो चलो। अपने जान से भी प्यारी होती है हमें जन्म देने वाली माँ। और ऐसी माँ के बारे में बिना सोचे ही, आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि तुमने अपने दोस्त के लिए एक आदमी का मर्डर कर दिया? ए, क्या बकवास कर रहा है? जिसने अपुन को जन्म दिया ना, उससे भी बढ़कर अपुन के लिए अपुन का भाई है। अपुन अपने भाई सूरी को सबसे ऊपर मानते हैं। अपुन के भाई सूरी को धोखे से मारा। हाँ, रुकिए, बस यही पर। हाँ भैया, कितने हुए पैसे? 110। ये लंबू, अपने एरिया में नई एंट्री किसकी है? अरे कौन है ये रसगुल्ला? इतने दिन कहाँ थी, कहाँ से तू आई, बूझू गया या नहीं? अरे हसीना तेरे और बॉयफ्रेंड्स कितने हैं, बूझू गया या नहीं? ए, क्या हुआ रे? ओ, सपना देख रहा था। सपना देख रहा था। ए, क्या देख रहा है? वो मेरी आइटम है, अपन उसके साथ शादी बनाने वाला है, क्या समझा? मारूंगा खींच के। तू कभी नहीं सुधरने वाला। अपना चेहरा कभी आईने में देखा तूने? कहां वो जलपरी और कहां तू फटीचर।
देख सभी जानते हैं प्यार अंधा होता है, अगर उसको प्यार होगा ही तो सिर्फ इस कहानी से। अबे आधे अंधे, तुझसे आधा ही प्यार हो पाएगा लवर बॉय। अरे आगे आगे देख तू, होता क्या है इस कहानी का जलवा। अरे भैया सुनो, पहले किचन का सामान अंदर लेकर जाना और ध्यान रखना कोई भी सामान टूटना फूटना नहीं चाहिए, समझे? अच्छा ठीक है, चलो। जब देखो टीवी देखती रहती हो, माला बनाने में मेरी मदद करो। मैं क्या तुम्हें माला बेचने वाली लगती हूँ? माला ले लो, माला ले लो, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी। आखिरी बार बोल रही हूँ। तुम्हारा जवाब तो हमेशा तैयार रहता है। चलो चलता हूँ। ठीक है जी दीपा, चलता हूँ बेटा। बाय पापा। बाय। भैया। ओ आओ आओ, सब ठीक तो है? लगता है कोई आया है, जरा उठो। जल्दी आना भैया। हाँ बिल्कुल। कैसी है पिंकी? अच्छी हूँ। पिंकी अच्छी हो ना बेटा? मुकेश बेटा नमस्ते करो। क्या बात है, तुम तो एकदम ब्यूटीफुल लग रही हो। अच्छा थैंक यू। अच्छा बताओ यहाँ पर कौन सी कॉलेज में एडमिशन ली? BMS कॉलेज में। अरे मैं भी उसी कॉलेज में हूँ, अब हम दोनों साथ ही कॉलेज जाएंगे। तुम्हारे पति कैसे हैं? उनको उनको दिल का दौरा पड़ा था और वो हमें हमें छोड़कर चले गए। उनकी मौत के बाद हमने वो घर बेच दिया और हम करते भी क्या, अब किराए के घर में रहते हैं। आगे पता नहीं क्या होगा। अरे आंटी आप यहाँ कब आई? हम आज ही आए हैं। सॉरी भाई। ए मुकेश कैसा है रे तू? मैं फ्रेश होकर अभी आया। ठीक है बेटा। ए ये प्राणी जू से भागकर कब आया? नखरे तो देखो। मैं जू से भागकर नहीं आई, तुम ही हो जो जू से भागकर आए हो। थोड़ी देर और यहाँ रहे ना तो जू के लोग तुम्हें ले जाएंगे। मेरे साथ ही मजाक कर रही हो क्या? देखा इसको। सूरी तुम तो बहुत बड़े गुंडे बने फिरते हो ना, देखती हूँ सनसनी क्राइम पे कब आते हैं। अपना गाड़ी आशिक बन गया है वाला। ए काले काड़िये, कोयला भी तेरे को देख के शर्मा जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी बनाएगा। अबे कहानी क्या देख रहा है तू? और आज इतना झगमग कहीं को? इसका बर्थडे हैप्पी आज। हाँ तो मेरे को विश करो ना। हैप्पी बर्थडे। गिफ्ट मत मांगना आप उनके पास। सूरी मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और मुझे लेट हो रहा है। भाई 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 मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। जस्ट मिस हो गया रे। पहले कभी स्टार्ट किया है क्या? गाड़ी में पेट्रोल है ना? सेल्फ स्टार्ट नहीं है क्या? सेल्फ स्टार्ट होता तो मैं खुद नहीं स्टार्ट कर लेती। सुपर नाइस पॉइंट, अब देखना मैं कैसे करता हूँ स्टार्ट। इसे बस पी के किक लगानी आती है। क्या यार ये सब लोग तो इस लड़की के सामने मेरी इज्जत उतार रहे हैं। स्टार्ट करके ही रहूंगा। अरे वाह गाड़ी तो आसानी से स्टार्ट हो गई। आवाज गाड़ी के स्टार्ट होने की नहीं मेरी बॉडी की थी। घर जाकर नहाकर कपड़े बदल कर आता हुआ, डोंट माइंड, पता है चना खा लिया था। सूरी मुझे लेट हो रहा है, तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर सकते हो क्या? कहाँ से उठाकर लाई हो ये खटारा, जू में सब ऐसी ही गाड़ियाँ होती हैं। गाड़ी के बारे में कुछ मत बोलो, ये मेरे डैडी की जान है। सॉरी आप उनको पता नहीं था ये खटारे तेरे डैडी की जान है। रुक अपन स्टार्ट कर दे। ये क्या तेरे डैडी की जान की टांग तो टूट गई। अरे अभी उदास काई को हो रही है, ये लोग गाड़ी रिपेयर करके घर पे छोड़ देंगे, कॉलेज जाने का है ना, अपन ड्रॉप करता है। चल अपना बैग ले ले, बैग ले ले भाई, संभाल कर जाना। गाड़ी का किक लगवा देना। हाँ लगवा दूंगा भाई। ए सुन रहे, हाँ, हाँ। गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जा। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। क्यों, तेरे डैडी की जान की टांग टूट गई इसलिए?
अरे आपुन तेरे डैडी को जानता है, वो मोटे से जो पोस्ट ऑफिस में बैठकर सील मारते रहते हैं वही ना। बाइक रोको, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। बैठी रहे। रोको ना बाइक। नाराज क्यों हो रही? तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? ए, तू इतना गुस्सा काहे को कर रही है? बिना कुछ जाने तुमने मेरे डैडी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया? जानते भी हो मेरे डैडी इस दुनिया में नहीं है। माँ कसम पिंकी, अपने को ये बात पता नहीं था। वैसे ये बात पहले तो अपने को बता सकती थी ना। चल ठीक है, अब रो मत, बैठ जा, तेरे को ड्रॉप करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अभी तक तेरा गुस्सा उतरा नहीं गया। चल चला जा, बैठ जा। हंसने में कंजूसी क्यों कर दी? हंसना, अरे हंस, स्माइल करना बेबी। हाँ ऐसे, चल बैठ जा। सूरी, अपना फोन देना, मेरे पास तेरा नंबर नहीं है। ये ले। उधर कॉलेज आ गया। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरा फोन दे। किसी का भी फोन उठाएगी क्या? हेलो, हाँ बोल। क्या बात है भाई, ये स्कूटी वाली तो मुझे हेलो बोल रही है। भाई तुमसे मिलने कोई आया यहाँ? जल्दी आ जाओ, तब तक अपन उसे चाय पानी पिलाते हैं। ठीक है, आता हूँ। सूरी, हमेशा अच्छे कपड़े पहने चाहिए। जरा अपने कपड़ों की हालत तो देख, मेरे कपड़े देख कितने फ्रेश हैं। ए फ्रेश वाली, मेरे कपड़ों पे मत जा, ये फ्रेशनेस अपने पास रख। जा जा, तेरा फ्रेश लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा। आरएक्स के पूरे इलाके का दादा है, देखो वो आ गया। यही है आरएक्स। कौन है रही है? ये पाशा का काम संभालता है। क्या काम है बोल? इसको गोल्ड का बिजनेस करना है। अच्छा, ऐसा क्या? और इस काम के लिए कमीशन 1.5 लाख रुपया मिलेगा। तुम्हें गोल्ड पार कराना है, इसके पैसे तुम्हें तुरंत मिल जाएंगे, और सब कस्टमर लोग भी इसी का होगा। तो बताओ फिर, क्या बोलते हो, काम करोगे? चल खड़ा हो जा। बोला ना, खड़ा हो जा। औरत से धंधा कराने वाले और सोने की स्मगलिंग करने वाले मुझे पसंद नहीं है। ए, ध्यान से सुन, आगे से कभी भी ऐसा धंधा करने की बात करेगा तो टांगे काट के हाथ में दे दूंगा। चलो निकलो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। चाहो तो 1.5 लाख रुपए तुम्हें अभी दे देता हूँ, और आगे भी ऐसे बहुत सारे काम हैं, एक बार फिर सोच। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? ए, तू तो आ रहे सूरी की बढ़ चढ़ कर बहुत तारीफ कर रहा था, ये तो एक नंबर का लुल निकला। अपुन के ही चेहरे में आकर ऐसे बात करता है तू? काट कर फेंक देंगे। चल कल्टी मार। ए चल, बहुत इज्जत कर लिया। चल ठीक है, जाते हैं, चलो निकलते हैं यहाँ से। ये मत समझना तेरे से डर के भाग रहा हूँ। ए सुना ना उसने क्या बोला? क्या बोला भाई? सूरी, इस बात को यहीं खत्म कर दो। चाबी चढ़ी है क्या? ए इसे ठीक से समझा देना। बस करो सूरी। अगर पाशा भाई को पता चला ना कि तूने मुझ पे हाथ उठाया, तो समझ ले तू तो गया। ए, चल निकाल। उस पाशा से बोल दे सूरी से बहुत सोच समझ के बात करने का। दोबारा यहाँ दिखा तो मार डालूंगा। चल निकाल, निकलने का। चल, मेरे को समझ। भाई ये लोग से पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब जो हुआ भूल जाओ, अपना दिमाग मत खराब करो। वो अपने एरिया में दादा हो सकता है, उसने हम दोनों की बेइज्जती की। अगर हमने कुछ भी नहीं किया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो पता है क्या होगा? पाशा भाई अपने को अपने धंधे में खड़ा नहीं करेंगे। सुनिए भाई, बाला आ रहा है, कुछ मत बोलना। पता नहीं ये यहाँ पर क्यों आ गया, ज्यादा देर उसे बिठाना मत। ये लो। ये क्या है? तुम्हारी यही औकात है, पहन लो। सूरी ने कहा बॉस को भी पहना देना। इसे ले जाओ यहाँ से। तू क्या कर रहा है, ऐसा मत कर बेटा। बेटा नहीं, बाला बोल। बाला, इस फील्ड में तुझ जैसे को भी अकड़ आ जाती है, लेकिन इतनी ईमानदारी दिखाना ठीक नहीं होता बाला। ओए, मैं एड़ा नहीं बनने वाला, चुप बैठो। ये बताओ गेम कौन बजाएगा? मनोहर और उसके आदमी। हम्म।
क्लास में लेट आई? बताओगी नहीं कॉलेज में लेट क्यों पहुंची? अरे यार, मेरी स्कूटी ने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए सूरी ने मुझे कॉलेज ड्रॉप किया। सूरी ने तुम्हें कॉलेज ड्रॉप किया? सूरी ने कहा कि वो तुम्हें ड्रॉप करेगा? हाँ, उसने कहा। आहा, क्या बात है। दीपा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? मुझे पता है क्या पूछोगी। सूरी किसी से प्यार करता है क्या? वो तो मैं जानती हूँ, उस सूरी को प्यार करना आता कहाँ है। हा? लेकिन तुम उसे प्यार करती हो ना? करती तो हूँ, लेकिन वो मुझे बचपन से जानता है ना, इसलिए नखरे करता है। उससे प्यार कभी मत करना। लेकिन क्यों? सूरी बहुत बड़ा गुंडा है, तुमने तो सुना ही होगा, मतलब समझी ना। सॉरी सॉरी, मैं जो तुमसे सवाल पूछने वाली थी ना, वो यही था। माँ, क्या हुआ? ए दीपा, इधर आ। क्या है ये सब? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भैया। क्या मतलब? ये मेरे फ्रेंड्स नहीं है, उनका नंबर मेरे फोन में सेव्ड है। पता नहीं ये किसका अननोन नंबर है, मेरा यकीन कीजिए भैया। सच सच बोल। भैया, कुछ दिन पहले मैं रिचार्ज करने गई थी, शायद वही होगा। पता है दोस्तों, मैं एक लड़की को पटा रहे लाऊ, एकदम जकास है। अरे ये क्या, ये 100 साल जीने वाली है, जिसका नाम लिया उसी का कॉल आ गया। देख तो बात कर लेना दोस्त। हेलो हेलो हेलो, ये जो मोबाइल दिख रहा है वो कितने का? आई भाई बुरा और एक सूरी। चल गाड़ी घुमा। पुण्य क्या किया सर? ने गलती ये की है कि तुम इतनी दूर तक आए और हमारे इलाके में आकर हमारे ही आदमियों को तुम मारे जा रहे हो। सर, मेरी बहन को मोबाइल में क्या भेजा था उसी से पूछिए। अरे जो भी भेजा हो, वो जवान लौंडे हैं, वो तो ऐसा करेंगे ही। आपकी बहन को कोई ऐसा भेजेगा तो आप चुप रहेंगे क्या? सर सर मान लौटाता है क्या? बोला सर फिर से बोल के दिखा, हीरो बनने का बड़ा शौक चढ़ा है। मेरी बात तो सुनो। अरे लेकिन गलती पहले उसने की ना भाई। कौन है? इतना मारूंगा कि सारी हीरोगिरी उतर जाएगी। चल उठ उठ और चल के माफी मांग। माफी मांग, पैर पकड़ के चल। सर मैं काई को पैर पकड़ू? गलती तो आपके आदमी ने की ना। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? इसमें सूरी की क्या गलती है? कोई भी भाई को अगर उसकी बहन की कोई ऐसी तस्वीरें भेजेगा तो आखिर वो क्या करेगा? जब सूरी ने उन सबको मारा, समझो तब से उसका राज शुरू हो गया। वो सूरी से आरेख सूरी बन गया। तुमने सुना, सूरी को अरेस्ट कर लिया? अरे ऐसे बहुत सारे केस होते रहते हैं, सूरी छूट जाएगा देख लेना। और एक सूरी जहाँ भी मिले उसे खलास कर दो। Chandra Shekhar, 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 Chandra Shekh
ये सब गणेश के आदमी हैं। इनमें से बस एक को मार गिरा हो, बाकी सब अपने आप भाग जाएंगे। तो क्या सोच रहे हो, मारो इन सबको। अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्यों मार रहे हैं इसे? ओ भाई साहब, ये सवाल अपने गुंडे बेटे से जाकर करो। ये मेरा बेटा है, इसे सुधारने के लिए मैं मार सकता हूँ इसे। आरिक सूरी ने हमारे सारे आदमियों को मार डाला। मुझे अभी बता रहा है। ए सूरे, ये क्या किया तूने? हमारे धंधे में टांग मत अड़ाना, समझा? हमारे अड्डे पर रेड मारता है, देख क्या रहा है? मार! यार अब बस हो गया, अपन को ये गुंडागर्दी रोकना होगा, समझ गए ना? ठीक है। ये सब होने के बावजूद भी टाइगर उसके पीछे पड़ा रहा, और उसके बाद भैया ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। जाने दो दीपा, तुम इतना परेशान मत हो। मेरी गोभी की फूल, रुई की गोदाम, मुझे मिस किया ना तूने? मेरे कव्वे के घोंसले कहाँ थे तुम? मेरा डेप्यूटेशन के काम के लिए डिपार्टमेंट ने मुझे दूसरे शहर भेज दिया था, वापस आते ही तेरे पास आ गया। ये भी कैसी जिंदगी है, मुझे और जीने की चाहत न होती अगर तुम ना हो। अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? मुझे मार ही डालोगे क्या? साथ जीने बनने के लिए ही तो ये लाया हो। हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? लेकिन क्यों नहीं करेंगे? वो मेरा हाथी छाप है ना, हाँ, उसने हाँ, आज तक सुई में धागा भी नहीं डाला। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे कौवे के अंडे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे दिल में। वो शैतान का बच्चा, इतनी नाजुक सी कली को हाथ तक नहीं लगाता, उसके हाथ काट देने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो जब भी मेरे पास आता है मुझे धुतकारता रहता है। मैं भी उसको धुतकारता हूँ। तुम टेंशन मत लो, अपना ख्याल रखना, मैं अगली बार आऊंगा ना तो तुमसे फिर मिलूंगा। इतने दिनों के बाद आए हो और ऐसे ही चले जाओगे? मैं तो जाने की एक्टिंग कर रहा था। मेरी फूलगोभी बीवी घर में नहीं थी, इसीलिए मैं गुड मूड में तुमसे मिलने चला आया, समझ गई ना? मैं तुमसे दूर रह कर नहीं रह सकता, समझ गई ना? हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ गई। चलो जल्दी से खाना खा के मैं तुम्हें अपने बाहों में ले लूंगा, फिर हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम बने नमस्ते सर। सिर्फ 5 मिनट बात करने दूंगा, जल्दी जा। हाँ समझ गया। ए, तुमने सब काम बिगाड़ दिया। कुछ नहीं वाला, क्या करें, पुलिस ने हमें पकड़ लिया। अब तू मेरा चचेरा भाई तो है नहीं कि तू मुझसे मिलने आए। साफ साफ बता क्यों मिलने आया है। ऐसा क्या, तुम लोग जानते नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए। मैंने किसी को पैसे देने का वादा किया है,
मैं ये सब काम पैसे और नाम कमाने के लिए करता हूँ, ये तुम जानते हो। चलो अब पैसे निकालो। हेलो बाला, हम लोग अंदर हैं अभी, पैसे कैसे देंगे? वो सब बात मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें कुछ बोलना था ना इससे, तो बोलो। ध्यान से सुन, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे और इस चीज की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। और तू तो अच्छे से जानता है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बड़ी मछली को मारना पड़ता है, और तू जानता है कि बड़ी मछली कौन है। अगर तू चाहता है कि तू आगे बढ़े तो तुझे अपनी ईमानदारी भूलनी होगी। जा अपने भाई सूरी को जान से मार दे। ए, तू साला किसकी बात कर रहा है? वो मेरा भाई है। तुम लोग सलाखों के पीछे हो इसीलिए बच गए, वरना तुम दोनों को यहीं गाड़ देता। सुनो बाला, अब तुम चुप हो जाओ। मैं चुप रहूं? ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? मुझे मेरे पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। बाला एक बार सोच ले, बॉस बन सकता है तू। भाड़ में जाओ तुम लोग। सर क्या कर रहा है? चिंपांजी की तरह बैठ के तो क्या 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 कर रहा है? तेरी तो इसी से मार डालूंगा। अंदर क्या क्या हो रहा था मैं सब जानता हूँ। आपको लौकी पसंद है, उसको गाजर पसंद है, क्या हुआ? लगाना जोर का झटका। अरे मेरे चिंपांजी, मेरा बच्चा बैठ। मुझे लगा मेरे गाजर गोभी की खेती अंडरग्राउंड चल रही थी, लेकिन तूने देख लिया तो दुनिया को बता देगा। तूने कब देखा? तुम अंदर उसके साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे ना, तब मैंने देखा, क्या समझा? अच्छा तो करंट खिड़की से पास हो रहा था। तेरी एक हेडलाइट तो डिफ्यूज है, ये बता कि तू दूसरी हेडलाइट कौन सी बैटरी से चला के देख रहा है? ये आग दो आंखों के बराबर है, मुझे बहुत ज्यादा दिखता है। अच्छा मतलब तेरा बल्ब बहुत तेज है, मतलब अगर बैटरी खत्म हो जाए तो तू कैंडल लगा के भी दिखता है। अब बता क्या करे? क्या मैं समझाता हूँ, इधर वो क्या है ना कि गोभी की फ्यूज घड़ी घड़ी चली जाती है, और मैं उस फ्यूज को घड़ी घड़ी ठीक करता रहता। अब ये फ्यूज कौन डाले इससे क्या फर्क पड़ता है? लेडीज को तो सिर्फ करंट ही चाहिए। वो किस लिए चाहिए? धारावाहिक देखने के लिए। अरे अच्छा ठीक है ठीक है, ये लो और अपने ना एक हेडलाइट के लिए एक और बैटरी खरीद लेना। आज का तो बंदोबस्त हो गया। दारू भलाई का तो जमाना ही नहीं है, बैटरी के लिए पैसा दिया और ये दारू पिएगा। वैसे इसकी एक हेडलाइट बड़ी मजबूत काम करती है, मुझे होशियार रहना पड़ेगा। बाबू सिग्नल लग गया, मैं तो बोलता हूँ यही सही मौका है, टपका देते इसको। Hey!
अरे भाई आप छुप कर बैठे हो, यहाँ क्या कर रहे हैं? जा मार दो, जा मार। इस धंधे में सूरी को अकेले देखकर मारने वाला अभी तक इस दुनिया में कोई माइकलर पैदा नहीं हुआ है। अब उनका मन कर रहा है कि तुम लोगों की बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला दो। ए, म्याओ टाइगर, बाहर निकल, चल बाहर आ रे। हाँ भाई, नमस्ते भाई, सलाम भाई, पायला को भाई, पायला को। ए, तुम लोग पैर पड़े कि नहीं? सॉरी भाई, नहीं 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 नहीं, सॉरी भाई, नहीं नहीं, प्लीज समझो ना भाई, माफ कर दो, एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम शैतान लोग कभी सुधरने वाले नहीं हो। क्या बात कर रहे हो भाई, मैं तो सुधरा हुआ ही हूँ, इन निकम्मों की वजह से मैं बार बार हट जाता हूँ। ऐसे छोटे मोटे लोगों के साथ अपना दरबार बिठाना बंद कर दे, अगर दोबारा ऐसा किया ना तो तू फोटो फ्रेम में होगा। भाई फोटो फ्रेम तो बनेगा बेटा, लेकिन उसमें फोटो तेरा आएगा। मुक्की थोड़ा जोर से धक्का देना। अरे इतना जोर से नहीं बोला। ये कांदी वाली बोरी वाली मुझे लाइन मार रहा है। कौन है रे तू? वो क्या है ना, पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश गायकवाड़ मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, और मेरा नाम है गिरीश गायकवाड़, तो गायकवाड़ गायकवाड़ भाई हुए ना। तेरे को मुझसे क्या काम? मुझसे क्या मदद मांग रहा है, जाके अपने डिपार्टमेंट से मदद मांगना। वो क्या है ना भाई, प्रॉब्लम ये कि नल से थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है, और तो और वो नल जंग भी खा गया। अगर नल से थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है तो नीचे बाल्टी रख दे, भर जाएगी। बाल्टी लगा रखी है और बाल्टी भी मेरी है, लेकिन उस बाल्टी में कोई और पानी भरता है उसका क्या? क्या कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि कोई रोज आकर मेरी बाल्टी में पानी भर के चला जाता है। अरे तेरे नल में पानी आना बंद हो गया क्या? आता है भाई, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता है। पहले तो हर रोज आता था, फिर दो दिन में एक बार, और अब तो हालत ये कि सीटी बजती है, पानी नहीं आता। अगर तेरी पानी की प्रॉब्लम है तो तू मेरे पास क्यों आया रे? ये प्राइवेट बात है ना। अरे मेरे काला जामुन भरे ले बैंगन, तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, मतलब तेरे विकेट पे कोई और ही आके बैटिंग करके जाता है। मेरे स्ट्राइक रेट पे उंगली उठा रहा है? नहीं रे, मैं तो दुखी हूँ, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। किससे प्रार्थना कर रहा है? म्युनिसिपैलिटी से, जिसकी बदौलत तेरे घर में दूसरे का पानी आता है। कौन है वो? तू ये बता, आखिर तेरे नल में प्रॉब्लम क्या हो गई है? वो क्या है ना कि हमारे यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है। जब तक मैं बिजली ऑन करके मोटर न चलाऊं, मेरे नल में पानी का फोर्स ही नहीं आता। अरे यार तू भी कैसी बातें करता है, टाइगर दूसरों की बाल्टियों में पानी भरने के लिए हमेशा तैयार रहता है, मेरे नल में तो इतना पानी आता है कि बाल्टी कभी खाली नहीं होगी। टाइगर है ना, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हैंड पंप हूँ। हाथ मिलाओ मेरे हैंड पंप, थोड़ा पुण्य तुम भी कमा लो, दूसरों को सुख देना अच्छी बात है। तो मैं चलूं भाई, चलो चलो, मिलता हूँ भाई। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में वो जो बाल्टी है वो लोहे की है या प्लास्टिक की? निकल।
इतनी उदास क्यों है और चेहरे का रंग काहे को उड़ा है? कॉलेज के कितने सारे लड़के मुझे प्रपोज कर चुके हैं और जबरदस्ती एक्सेप्ट करने के लिए मुझे कहते रहते हैं। कौन है वो लड़के? चलो मेरे साथ, अभी दिखाती हूँ। सुरी सुरी, बाइक थोड़ी और तेज चलाओ ना, प्लीज, कम ऑन। ठीक है ठीक है ठीक है। तू लड़की है तो कैसे भी बैठेगी क्या? हाँ? क्यों, इसमें क्या हुआ? नहीं नहीं, अपन तो ऐसे ही बोल रहा था, देख रहा था कि तू कितनी अलर्ट है, कभी कभी क्या कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए बोला। तुम रोड पर फोकस करो और बाइक चलाओ। ये ले, तू उल्टा अपने को ही सिखा रही है। हेलो, ए, तेरे अंदर गट्स है ना तो सामने आ। क्या, पार्क के बाहर आऊं? ठीक है, अभी आती हूँ और मिलती हूँ। एक बात बता, तेरा नंबर उसको कैसे मिल गया? वो अभी आ रहा है ना, तुम खुद ही उससे पूछ लेना, तब तक गप्पे लड़ाने से अच्छा है गोल गप्पे खाते हैं। इसको गोल गप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। तुमने कुछ कहा क्या? तू ही खा ले। उसे अच्छा सबक सिखाना, ऐसी पिटाई करना कि मुझे देखते ही भाग जाए। चलो ना। कहाँ हो, कॉलेज के लिए आ रही हो या मैं जाऊँ? क्यों, अब डर गया क्या? अगर गट सना तो फट से आ। सूरी तेरी बैंड बजाने के लिए आया है। क्या हो गया तुझे, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हेलो, तू बात कर रही थी अपन को पता नहीं है क्या? चल फोन रख। तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी नाटक कर दिया। अब क्या करूं? पुनीश पागल था इसकी झांसे में। सूरी, सूरी मुझे कॉलेज तो ड्रॉप कर दो। सूरी, भाई कुछ तो हुआ हुआ। छेड़ा 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 तूने। हाँ, क्या कहा? थोड़ी चढ़ गई मुझको भी है ना। दाढ़ी मूछ रख ली है, शेविंग कटिंग छोड़ दी है, और क्या मैं छोड़ू मेरी जान? पहले छोड़ तो अपना ये धंधा, फिर करूँ जो कहे तू मेरी जान, बस दिल में बसा ले मुझे हम, मुझे हम, मुझे हम, मुझे हम। Hey, everybody is watching it, यार। देखा मैंने
अपना दिल ये तुझे दूंगा जाना, ये तुझसा ही प्यारा है जाना, तुझे दिल में है अपने बसाया 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 बसाया, छोड़ा 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 सब कुछ है छोड़ा। याद रखना तुम लोग ठीक नहीं कर रहे, मेरा काम है वायर लगाने का और तुम लोगों का काम है मीटर लगाने का, फिर भी तुम लोगों को बिल भरना पड़ेगा, याद रखना। बिल तो हम ऑनलाइन भरेंगे, चल चल टाइगर ने बुलाया, चल। ये टाइगर कौन है? इस शहर में सिर्फ एक ही टाइगर है, एक ही शेर है और वो मैं ही हूँ वो टाइगर। मैंने ऐसा सुना है कि तू रोज उसके घर पे जाके गुलछर्रे उड़ाता है, छोटा सा है लेकिन तू बड़े बड़े काम करता है। उसके उसके किसके? मैत्री के। उसके बैंगन जैसे पति ना के हमें बताया। उसका पति भाई, मैं सब सच बताता हूँ, पहले मैं उसके घर में बिल देने के लिए, बिल वसूलने के लिए गया था, तब उसके घर से मैत्री बाहर आई। मैत्री जैसे ही बाहर आई वो आते ही मुझसे टकरा गई। वो टकराए तो तू पीछे नहीं हट सकता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर, उसके टकराते ही हम दोनों को करंट जो है लगना शुरू हो गया। समझ गया, तुझे से उससे लिपटा तुझे करंट लग गया, उसके बाद तूने होल्डर में बल्ब तो नहीं डाल दिया? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, एग्जांपल से समझाता हूँ, गौर फरमाइएगा। आगे एक कसाई की दुकान, आपको मटन लेना है तो आप पीस पीस मटन लेंगे या फिर पूरा का पूरा लेंगे? पीस पीस किया वो लूंगा। बिल्कुल सही जवाब। मैं अंदर गया, उसने मुझे देखा और देखते ही जैसे संतरे का छिलका निकालते है ना, वैसे ही उसने अपने कपड़े निकालने शुरू कर दिए और वो दृश्य देखते ही मुझसे रहा नहीं गया और पिछो। इतने दिन तक जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन आज के बाद मुझे पता चला कि तू दूसरों के घर पर जाकर खाना खाता है तो मैं तेरा उपवास शुरू करवा दूंगा। तो मुझे क्या करना है? स्वाद चखने के लिए जबान भी बाहर नहीं निकालेगा वरना मैं उसे काट दूंगा। अच्छा भाई चलता हूँ। ये क्या किया? आपका तरबूज अच्छा है। अरे फोन आया, फोन आया। बस अभी आया, अभी आया। ओके ओके ओके, तैयार हो जाओ, बस अभी आ रहा हूँ। किसका फोन था रे? मैत्री का फोन था भाई। क्या बोली वो? कह रही है पति घर पे नहीं है, आज संतरा ही नहीं पूरा का पूरा खाना खाने आ जाता है। खाना खाने के लिए? ओह कितनी भूखी है रे वो, मुझे भी उसके साथ खाना पड़ेगा। यहाँ क्या कर रहा है? बहुत नाटक बढ़ गए तेरे। अपन तो इधर चाय पीने के लिए आया है साहब। चल चल, चाय बहुत पी लिया साहब, तुम लोग से बात करना चाहते हैं। चल गाड़ी में बैठ। अरे अपने एरिया में लोग जैसे एंट्री मारते थे ना, सलाम ठोकते थे, इतना खौफ था मेरा, अब क्या बताऊं रे तुझे, लोग मेरे नाम से कर 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 कांपते थे। मुझसे बड़ा राउडी इस पूरे इलाके में नहीं था, पूरे इलाके में। लेकिन जब से वो साला आरेक सूरी आया ना, उसने मेरे नाक में दम कर दिया है। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने तो मेरे दिमाग का ना बाजी वाला कर दिया है कसम से। ये आइटम को यहाँ क्यों लेके आ रहे? टेंशन मतलब भाई, माइंड और बॉडी को रिलैक्स करना भी जरूरी है। ए अंदर जा। चलता हूँ बाबू। मेरे को आज कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज क्या, कभी नहीं करेगा? अरे कुछ नहीं, नहीं करेगा। ए, तू ये बता मुझसे ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ए, सीधा सवाल पूछा, काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तू ऐसे खड़ा रह के ऐसा क्यों कर रहा है बे? सीधा सवाल किया, सीधा जवाब दे, ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ए, सुनना। इधर आएगा तभी तो पता चलेगा काम होगा कि नहीं। आ जाना, कब से इंतजार कर रही हूँ। मेरी गुलाबो, पागल कहीं की, मैं ये नहीं पूछा था कि मेरा तेरे साथ इस बिस्तर पर काम हो पाएगा या नहीं। मैं तो सारे सूरी के छोटे छोटे पीसेस करने के काम के बारे में पूछ रहा था।
सब लोग बाहर जाओ। ठीक है आप मजे करो भाई। सुन पिंकी, मैंने अभी अभी सूरी को पुलिस की गाड़ी में जाते हुए देखा। क्या किया उसने? ये तो मैं नहीं जानती। अच्छा मैं कॉल करती हूँ। उसका नंबर तेरे पास कहाँ से आया? वो दीपा ने मुझे दिया था मामा। नहीं मैं खुद उसकी माँ को फोन करके पूछती हूँ। और हाँ तेरी गाड़ी को क्या हो गया? इंजन सीज हो गया था मामा। तेरा नाम क्या है? करण। करण उर्फ? कुछ नहीं सर। तुझे कहीं देखा है? किधर देखा था तुझे? कौन से स्टेशन पर? तुम्हें स्टेशन में नहीं टीवी में देखा था, उस टॉयलेट क्लीनर की एड में, टॉनिक्स। सही कहा ना? घुंघराले बाल, एक ही आंख। नाम क्या बताया तूने? करण सर। इसका मतलब उर्फ कानिया करण। दिखने में बिल्कुल एलियन लगता है तू। संदीप भट्ट उर्फ सटकेला। तुलसी उर्फ मंगल पांडे। बाल कृष्णा उर्फ बाला। नागराज उर्फ लंबू। सूरी उर्फ आर एक्स सूरी। हाथ मजबूत है, मशहूर है मारपीट, पंच और किक में। हाँ जेल भी जा चुका है मर्डर केस में। किसने किया ये मर्डर? वो क्या है सर, ये बार बार फोन क्यों काट रहा है? ए, गुंडा होके ऐसी रिंगटोन रखता है? ये गाना अपन को पसंद है सर। ओह रोमांटिक भी है। ओवर एक्टिंग तो बहुत करता है तू, चिंपैंजी कहीं का। तेरी शक्ल किसी इंसान से नहीं मिलती, पक्का एलियन है तू। कर ले बात कर ले, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, कहीं मिस ना हो जाए। नहीं सर घर से फोन आया है, ये लो आप बात कर लो। अच्छा सुनो, तुम मेरा एक काम करोगे क्या? इस पुलिस स्टेशन के दायरे में मैं तुम्हें किसी जगह पर छोड़ दूंगा जहां तुम्हें एक एमएलए के बेटे को मारना होगा। नहीं सर, ये कोर्ट और पुलिस स्टेशन अपन को दोबारा नहीं जाने का। अपन का घर अच्छा चल रहा है, शादी करके सेटल होना है। अच्छी बात है, लेकिन इसकी बहन का क्या? इसकी बहन भी अपन के बहन जैसी है। गुड, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। मुझे इस केस में तुम्हारे खिलाफ एक सबूत की जरूरत होगी, फिर देखना तुम सबकी कैसे बैंड बजाता हूँ। जाओ। किसने कंप्लेंट दिया होगा? कौन है भाई? भाई एक बार फोन उठा ही लो ना। हेलो सूरी, पुलिस स्टेशन की सैर करके आ गए क्या? अरे तेरे को दिमाग नहीं है क्या? कब से लगातार फोन करती जा रही है। मैं जो कह रही हूँ पहले उसका जवाब दो। जवाब बाद में, पहले फोन रख। गुंडा कहीं का। कौन था भाई जिस पर तुम इतना चिढ़ रहे थे? अरे कब से दिमाग खराब कर रही थी, अंदर आप उनकी इंक्वायरी चालू थी और लगातार फोन करके अपने को परेशान कर रही है। पागल कहीं की, दिमाग में हजारों टेंशन पहले से ही भरे ले। चलो। ये भाई किससे इतना चिढ़ रहा था रे? तू जिस लड़की को लाइन मारता है ना, वो लड़की भाई पे मरती है। ए चलना कहानी। ए बाला, कहानिया का दिल टूट गया है, उसका चेहरा देख। क्या हुआ? बोलेगा माँ, सुधा आंटी का फोन है। हेलो लक्ष्मी। बोलो सुधा। मैंने सूरी को पुलिस के साथ जाते हुए देखा, सब ठीक तो है ना? और हाँ उसके दोस्त भी थे। सुन उसकी जल्दी से शादी करवा दे, सब ठीक हो जाएगा। इस विषय में मैं तुमसे बात करना ही चाहती थी। हम मंदिर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, वहीं पर बात करेंगे। इतनी सी बात तो अभी बात कर लो ना। नहीं
मंदिर में ही बात करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है लक्ष्मी, मैं आती हूँ। सूरी से पिंकी की शादी के लिए सुधा को राजी करवा देना भगवान। कहीं वो सूरी के लिए पिंकी का हाथ तो नहीं मांगेगी? अगर ये बात है तो मैं क्या जवाब दूंगी? अंदर आइए ना, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे मेरी प्यारी सी गोलू सी चंद्रमुखी, मेरे अंदर का ज्वालामुखी अब विस्फोट होने वाला है। अगर विस्फोट हो गया तो वेस्ट हो जाएगा ना। डोंट वरी, ये ज्वालामुखी बड़ा कंट्रोल्ड ज्वालामुखी है, स्लोली विस्फोट होगा। तुम्हारे बाल तो कौवे के घोंसले जैसे हैं, उसमें अंडा कब दोगे? अरे मेरी भोली चंद्रमुखी, अंडा अकेले थोड़ी बनता है, गट्टू साथ दे दे। अंडे पे अंडा, अंडे पे अंडा बनाते हैं। चलो मिलके अंडा बनाते हैं, संडे हो या मंडे रोज बनाए अंडे। ये बीच में कौन डंडा आ गया? केबल वाला आया होगा, मैं देख कर आती हूँ। तो केबल वाले के बच्चे, मैंने अभी तक अपना केबल नहीं जोड़ा और उससे पहले तू कनेक्शन देने चला आया। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे तुम्हें तो सुबह कहा था कि डाल दो। मैंने क्या डालने को बोला? सुबह ड्यूटी पर जाते वक्त सुई में धागा डालने की बात किसने की थी? मुझे वो बात अचानक याद आ गई। ड्यूटी पे था मैं, ड्यूटी छोड़ के आया हूँ तेरी सुई में धागा डालने के लिए। तो चल अब अंदर चलते हैं, सुई धागा खेलते हैं। अरे क्या हुआ, सुबह तो बहुत चिल्ला रही थी। ये देख मिठाई भी लाया, दोनों मिलके मिठाई खाएंगे। चल आजा। आज तो बेकाम से, बचा लो भगवान। आजा आजा सुई धागा खेले। अरे कहाँ है, जल्दी इधर आ। तेरे दूर के बैठी है, नजदीक आ, काटूंगा नहीं। अरे मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू, मीठा पान है तू। आज क्या हो गया आपको? अरे दो लड्डू खा के और बाकी तेरे लाए। ओ कद्दू, मुझे नहीं खाना लड्डू। तो एक काम कर, ये ले ये गुलाब जामुन खा ले। आप पहले हल्के होकर आइए। वो हुआ क्या कि ड्यूटी के वक्त थोड़ी भूख लग गई और ठीक सामने एक ठेला नजर आ गया, मूली के पराठे गर्मा गर्म, वो भी लहसुन की चटनी के साथ। फटाफट 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 10-12 खा गए। उसके पैसे भी साथ काम करने वाले ने दिए तो ज्यादा खा गया। तो मुझे क्यों खिला रहे हो? अरे रे, तुझे मूली के पराठे नहीं, मिठाई खिला रहा हूँ, मिठाई। ये लिखा मैसूर पाक, ये गुलाब जामुन। अरे टेस्टी है टेस्टी, कितने प्यार से खिला रहा हूँ लिखा। अरे तू इसे लड्डू खिला या कद्दू खिला, नीचे तेरी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही मुझे। आ जाओ पिंकी। टाइगर, सूर्य अभी घर से बाहर निकल रहा है। तू उस कुत्ते को तो तू को बाद में बताओ क्या करूं। काम खत्म करना है, कैसे करना है वो तुम डिसाइड करो, चाहे कुछ भी हो। आज उस साले को छोड़ना मत। कहा जा रहा है वो मुझे बताकर जाता है क्या? टाइगर, वैन में उसके घर वाले हैं, सूरी साथ में नहीं है। उसके घर वालों को भी खत्म कर दो। टाइगर से पंगा लेने का अंजाम उसे मालूम होना चाहिए। हे देवी माँ, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। सूर्य ही मेरा सब कुछ है, कुछ ऐसा करो कि वो मुझसे शादी के लिए मान जाए। माँ तुम तो नहीं आने वाले थे ना बेटा? अरे माँ, इसने अपुन को आने के लिए जबरदस्ती किया तो आना ही पड़ेगा ना। ऐसी बात है, चलो आओ पूजा के लिए आ जाओ, तुम भी आओ बेटा। माँ, ये गधा अपना पैर धोए बिना ही अंदर जा रहा है, इसका पैर धुलवा के लाता हूँ, आप दर्शन कर लो, हम आते हैं। बाबू, सबको भगवान ने मंदिर में ही बुला लिया। बेचारा सूरी आज अपनी माँ को खोने से बहुत दुखी हो जाएगा।
अब वो किसे माँ या अपनी बहन करके बुलाएगा? अरे बाप रे। चिंता मत करो टाइगर, आज कोई नहीं बचेगा। सूर्या आ गया है। वो भी आ गया। किसी को भी मत छोड़ना, सबको मार दे। देख बिड़ू, ऊपर वाले ने दुनिया में सबसे कीमती चीज बनाई है, वो है माँ। दुनिया में बड़े बड़े योद्धाओं ने भी उनकी माँ के लिए अपनी जान दे दी। माँ बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। ऐसी माँ को काटा भी चुभा तो आप उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मेरी माँ को अगर कोई जान से मारने के लिए आए तो। अम्मा क्या कर रही हो, जल्दी आओ ना। आई बेटा, सूरी आया है, देखा तुमने? लक्ष्मी, जैसा तुमने कहा था मैं आ गई, अब बताओ। अरे सुधा, तुम्हें क्या बताऊं? अभी तो सूर्य अच्छा कमाता है, बस मैं यही चाहती हूँ कि किसी तरह उसका घर बस जाए। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली की बेटी है, मैं चाहती हूँ कि सूर्य की शादी उस लड़की से हो जाए। उसे भी सूर्य के बारे में सब कुछ मालूम है। पता नहीं मैं मेरी उस सहेली से शादी के बारे में कैसे पूछूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तेरे बेटे ने गुंडागर्दी छोड़ दी तो जरूर बात बन जाएगी। तो फिर मैं उससे पूछूं ना। हाँ हाँ, तेरा बेटा अगर सुधर जाए तो। लक्ष्मी, मुझे नहीं लगता तेरा बेटा सुधरने वालों में से है। जाओ टाइगर भाई, नीचे नीचे सब लोग आ चुके हैं। आ गए तेरा खून लेकर वो आ गए। तेरे खून से मैं तिलक करूंगा। कहाँ है? उसका खून कहाँ है? सूरी का खून कहाँ है? क्या हुआ तुम लोगों को? कहाँ है सूरी का खून कहाँ है? अरे दो ना मुझे सूरी का खून, दो ना। ए, प्लीज मुझे सूरी का खून दो ना, मुझे उसे पीना है। ए, बोलो ना, तुम लोग चुप क्यों खड़े हो? बोलो ना। नहीं मार पाए। ये तो अच्छा हुआ कि उसने हमें जिंदा छोड़ दिया। खत्म कर दूंगा तुझे, तुझे और तेरे वजूद को। सुन सूरी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। भाई वो हमारे यहाँ से बच निकला, हम करते भी तो क्या करते।
अब जो भी करना है वो मैं ही करूंगा, अपने हाथों से मारूंगा उसे। मैं हूँ टाइगर, टाइगर। तुम लोग उसे मारने गए थे और खाली हाथ आ गए। उसे मारने के लिए हमें सांप के जहर से भी जहरीली चीज चाहिए। जंगल के शेर को पकड़ने के लिए बड़ा जाल बिछाना पड़ता है। उसे मारने के लिए कोई अलग तरीका सोचना है जो मुझे ही सोचना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा, टाइगर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, किसी पर भी नहीं। नहीं छोड़ूंगा, सूरी का दी एंड करूंगा। वो क्यों रही है, चुप हो जा। आज मैंने एक फैसला कर लिया है। तेरे दिल में आखिर चल क्या रहा है? तू आम लड़कों जैसे क्यों नहीं रह सकता? इस उम्र में हम लोगों को क्या कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाएगा? हाँ? तुम जेल गए थे, ये बात मेरी सहेली सुधा को पता चल गई। अभी मारपीट करने की क्या जरूरत थी? सुधा जो कह रही है वो गलत नहीं है। आज तो दीपा को किसी ने नहीं छेड़ा, बताओ किसी ने छेड़ा क्या? फिर मारपीट क्यों की? अपनी बहन की शादी के बारे में कभी सोचा है? इसकी क्या गलती थी? अच्छा होता वो लड़का मुझे मार डालता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, इसलिए हम चुप रहते हैं। और एक सूरी, यार एक्स क्या है? तुम्हारी बाइक। इनिशियल्स लगाने से पहले सोचना चाहिए। चाहिए कहीं सोचा था एक बेटा है, बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा, पर अब तो सड़क पे चलना दुश्वार हो गया है तेरी वजह से। तू अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ सकता। छोड़ दे गुंडागर्दी, हम लोगों के मरने से पहले सुधर जा। तू एक ना एक दिन मुझे मरना ही है, सच्चाई है। जी अपन उन लोग को फॉलो कर रहा था, अपन ने ही लंबू को फोन किया था, और तू क्या जानती है मैं थोड़ा लेट होता तो तू जिंदा नहीं रहती माँ, इसलिए उन लोग को मारना पड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया मुझे बताओ? कोई भी माँ अपने बेटे की भलाई नहीं चाहेगी क्या? ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तुम लोग हमेशा अपने को गलत ही समझते हो। तुम्हारी बाइक। अपनी बहन की शादी के बारे में कभी सोचा है? इसकी क्या गलती थी? छोड़ दे गुंडागर्दी, हम लोगों के मरने से पहले सुधर जा। तू एक ना एक दिन मुझे मरना ही है, सच्चाई है। तुम ऐसा क्यों करते हो बेटा? कोई भी माँ अपने बेटे की भलाई नहीं चाहेगी क्या? मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ बताओ? अच्छी लग रही है अब्जा। मेरी तरफ नहीं देखोगे क्या? अब उनका दिमाग खराब है, तो निकल यहाँ से। मेरे साथ ऐसा करोगे? ठीक है ठीक है। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम आई लव यू कह के मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? ए, तेरे को पहले ही आई लव यू कह के प्रपोज मार चुका हूँ, कितनी बार एक ही बात बोलता रहूं? तू क्या एक? चल निकल, निकल यहाँ से। अरे अगर शादी से पहले ही तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो तो शादी के बाद मेरा क्या हाल करोगे? वेरी बैड। बाला।
याद रख, अगर कोई भी गलती हुई ना तो तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सूरी को कब और कैसे मारना है मैं बताऊंगा। जब मैं पानी से बाहर निकलूं तब तुम लोग उस पर हमला कर देना। इस बार पक्का उसका गेम बजा देना, ठीक है? हम लोग एक साथ आ रहे हैं। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? बला, उनका अड्डा तो लेफ्ट में। इस टाइम तुम्हारा काम गारंटी के साथ हो जाएगा। मेरे पैसे डुबाने की सोचना भी मत, मैंने तो फील्डिंग लगा दी है। आगे क्या करना है बोलो, अपना यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। जेल से निकलना पक्का है ना? आंखें बंद हो रही हैं। क्या हुआ सूरी? आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, है? जहर डाल कर एक बार करूंगा तो तू गया बेटा। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने बाला को सेट किया रे, अब तो तेरा दी एंड होगा। माँ बाप भाई बहन से भी मैं जितना प्यार नहीं करता, उनसे ज्यादा तुझ जैसे दोस्त ही किया, और तूने इन कमीनों के साथ मिलकर अपनी दोस्ती को दुश्मनी में बदल डाला। ए! ए, मार डालो जैसे। ए बाला, एक दोस्त होकर भी तूने मुझे धोखा दिया। बहुत बड़ी गद्दारी की तूने, लेकिन फिर भी बाला मैं तुझे मारूंगा नहीं। इन लोगों को छोड़ना मत बाला, मेरी बात मान, मैं तो तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन तू इनकी बातों में बिल्कुल मत आना बाला। चल जा यहाँ से बाला, तू जल्दी निकल यहाँ से। चल निकल निकल बाला, निकल भाग यहाँ से। Oh!
तूने मेरे दोस्त को खरीद लिया तो ये मत समझना कि तू जीत गया है। मैं बाला की तरह कायर नहीं हूँ। आ जा, तुझे धंधा चलाना है तो पहले मुझे मार, मार के दिखा मुझे। भाई भाई बोलता था ना उसे। धोखा दिया तो मार खाया ना, अब तो तू नहीं बचेगा। खलास। उसे बहुत चोट लगी, वो आईसीयू में है। तुम सब लोग एक साथ थे ना, तो उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? मुझे भैया को देखना है, मुझे ले चलिए। सूरी को कुछ नहीं हुआ, चलो ना उसे देखते हैं। चलो ना जाकर देखते हैं। सूरी अभी इस दुनिया में नहीं रहा।
जिंदगी। चैन मिलता ही नहीं, पापियों की दुनिया है ये, विश्वास किस का करे, आंसू ही आंसू है, जीवन का सत्य है यही, और ये ही विधि का विधान है। छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भाई भाई करके तू उनके साथ जा मिला गद्दार। सूरी ने तुझे अपने दोस्त से बढ़कर माना, अपना भाई माना, और तूने उसे मार डाला। हाँ, क्यों किया ऐसा? हाँ, मैं बड़ा होकर उन्हें छोड़ूंगा नहीं। करने वाले मिलते हैं ऐसे ही खाक में, यही जीवन है या